कहते हैं कि इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसे हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। समय बीतता जाता है लेकिन इतिहास की उन घटनाओं के जख्म कभी नहीं भरते, क्योंकि ये जख्म इतिहास के न जाने कितने दर्दों को सहकर बने हैं। और हिस्ट्री की वो घटनाएं हमारे समाज में ऐसा असर डालती हैं कि हम इंसानों को उसके अंजाम को हजारों साल तक भुगतना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे भयानक ट्रेजेडी भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जिसके जख्म आज पूरे 39 साल होने के बावजूद भी नहीं भरे हैं। तारीख थी 2 दिसंबर 1984, यानी दिसंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था। उस शाम भोपाल शहर के लोग रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यह कौन जानता था कि इसमें से बहुत सारे लोगों की आज यह आखिरी शाम है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात को और किसकी गलती की वजह से हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए थे। दरअसल भोपाल में पहले इस जगह पर जॉब का कोई स्कोप नहीं था, और जब यह यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक फैक्ट्री यहाँ पर लगी तो यहाँ के लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उन्हें जॉब के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वैसे तो यह कंपनी कीटनाशक दवाई बनाती थी, लेकिन यहाँ के लोगों को यह नहीं पता था कि यह किस टाइप के केमिकल का यूज करती है। शुरू में तो सब ठीक ही था, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा खराब था, क्योंकि वो वर्कर्स की कभी केयर ही नहीं करते थे और यहाँ तक कि उनकी सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखते थे। मतलब यह कि अगर कोई इक्विपमेंट तक खराब हो जाता था तो उसको भी जुगाड़ करके ही चलाते थे, जिस वजह से न जाने कितने मशीनों के इक्विपमेंट्स पुराने हो गए थे। तारीख थी 2 दिसंबर 1984। इस फैक्ट्री में एक टैंक था जिसका नंबर था 610, जिसमें एक जहरीली गैस भरी हुई थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस टैंक के पास एक पानी का पाइप जाता था जो कि बहुत पुराना हो गया था, और उस दिन वह पुराना पाइप फट गया जिसके कारण टैंक नंबर 610 में पानी भर गया, यानी जिस टैंक में केमिकल था अब उसमें पानी भर गया। अब पानी भरने के कारण प्रेशर की वजह से टैंक पर बहुत ज्यादा दबाव बनने लगा, जिस कारण टैंक के ढक्कन खुल गए, यानी जिस टैंक में गैस भरी हुई थी उसके ढक्कन खुल गए, जिससे उस टैंक में भरी हुई जहरीली गैस बाहर निकलने लगी। पहले तो इस गैस की वजह से वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को दिक्कत होना शुरू हुआ, मतलब कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ लोग की डेथ भी हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे यह गैस फैक्ट्री से निकलकर शहर भर में फैलने लगी। उस समय रात के करीब 12 बज रहे थे और लोग इस बात से अनजान आराम से गहरी नींद में सोए हुए थे। धीरे धीरे गैस हवा के साथ लोगों के सांसों में घुसने लगा, जिससे लोगों को दिक्कत होना शुरू हो गया। घुटन की वजह से जब कुछ लोग बाहर निकले तो वो देखकर चौंक गए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वहाँ पर लोग रोड पर लड़खड़ा रहे थे, गिर रहे थे, तड़प रहे थे, जिसके बाद बहुत सारे लोग तड़प तड़प कर मरने लगे, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच गया। देखते देखते शहर रात के सन्नाटे की जगह मौत की चीखों से भर गया, और थोड़ी ही देर में वहाँ के सारे हॉस्पिटल फुल हो गए, यानी वहाँ जगह तक नहीं बची मरीजों को एडमिट करने के लिए। और यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी अफरा तफरी मच गई, क्योंकि डॉक्टरों को भी यह नहीं समझ में आ रहा था कि वह लोगों की जान कैसे बचाएं। और थोड़ी ही देर में शहर शमशान सा बन गया, जो भी यह सब देखता उसकी रूह तक कांप जाती थी। जो सड़कें बच्चों के खेलने से भरी हुई रहती थी, आज वह सड़कें लाशों से भरी हुई थी। जब तक यह न्यूज गवर्नमेंट तक पहुंचती तब तक बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, जिसके बाद आनन फानन में गवर्नमेंट ने पूरे भोपाल शहर की घेराबंदी कर दिया, और कुछ समय में इस गैस पर धीरे धीरे काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक गैस ने मौत का तांडव मचा दिया था। इस गैस की वजह से भोपाल शहर के करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें से करीब 20 से 25 हजार लोगों की मौत हुई थी, और न जाने कितने लोग इस गैस के प्रभाव से अपंग हो गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार जो औरतें उसमें प्रेग्नेंट थी उसमें से करीब 25% औरतों का गर्भपात इसी गैस की वजह से हो गया था, और जो बच्चों का जन्म हुआ भी उसमें से मैक्सिमम बच्चों की मृत्यु 6 महीने के अंदर हो गई, और जो बचे हुए थे वो आज तक किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। अब जब यह हादसा हुआ तो उस समय यूनियन कार्बाइड की कमान वारेन एंडरसन के हाथों में थी, लेकिन इस हादसे की जिम्मेदारी लेने से वारेन एंडरसन और यूनियन कार्बाइड के मैनेजमेंट ने साफ मना कर दिया। हादसे के 3 दिन बाद ही वारेन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि कारखाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है, यह जिम्मेदारी यहाँ पर काम करने वाले लोगों की होती है। अब इतना सब होने के बाद भी उस समय भारत सरकार की हालत तो देखो, वारेन एंडरसन अमेरिका भाग गया लेकिन सरकार उसको गिरफ्तार तक न कर सकी। आज इस घटना के करीब 39 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस त्रासदी के पीड़ित लोग आज भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज यह फैक्ट्री सड़ते गलते हुए हालत में उसी जगह पर पड़ी हुई है, लेकिन इसको हाथ लगाने की हिम्मत किसी को नहीं है, क्योंकि सभी इतिहास की उस घटना को याद करके कांप जाते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी अपने अनुभव कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।